नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। महिला की सुरक्षा और महिलाओं को न्याय दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार ने राज्य में जब एक शासकीय विभाग में कार्य करने वाली महिला ही अपने आप को सुरक्षित महसूस न कर सके तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जबलपुर के मजोली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अभाना में आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्य कर रही महिला सुनीता बर्मन ने बताया कि गांव के एक ही युवक प्रदीप काछी द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और आंगनबाड़ी जाते समय हाथ पकड़कर गाली गलौज की और सरकारी रजिस्टर भी फाड़कर फेंक दिया। घटना से डरी सहमी महिला ने इस घटना की शिकायत मजोली थाने में की, लेकिन महिला की कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के पास बार बार शिकायत के बाद जब महिला की सुनवाई नहीं हुई तो महिला ने जिला कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद अब मामला मीडिया में भी उछल गया, जिससे कि मीडिया के लगातार दखल के बाद अब मझोली थाना प्रभारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सुनीता बर्मन हूँ, सहायिका हूँ, आंगनबाड़ी 2 में कार्य करती हूँ। मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि प्रदीप काछी ने मेरी पहली तो झूठी रिपोर्ट दर्ज की, 181 लगाकर झूठी मेरे को बताया कि मेरा बच्चा मरते बता, जबकि 4 और 5 के अंतर्गत की घटना है ये। मेरी सुपरवाइजर निराकरण करके चली गई, मेरे से बोली कि रजिस्टर तुम बना लेना और कल जिसके यहाँ जाना तो पंचनामा रजिस्टर लेके जाना। मैं पंचनामा रजिस्टर में और मेरी कार्यकर्ता गई, जिसके तहत प्रदीप काछी ने मेरे को गाली गलौज देकर मेरे यहाँ से रजिस्टर छीना। इसके लिए फिर मैंने कार्यकर्ता रजिस्टर मांगी तो रजिस्टर वापस दिया। फिर हम लोग वाद विवाद के कारण घर आंगनवाड़ी आ गए। इसके बाद दूसरे दिन मैं बच्चों को बुलाने गई, रजिस्टर ली, फिर वो मेरा हाँ कलाई मरोड़ के और रजिस्टर छुड़ाया। और इसके इस घटना के तहत मैंने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की। मेरी 181 में भी फ़ोन लगाए, इन लोगों ने 2 बार 181 वापस लिए, मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके तहत मैं 3री बार लगाई, जब मेरी कार्रवाई के लिए आज बुलाया गया तो मेरे को कार्रवाई की तो कोई फ़ोटो वोटो काफ़ी नहीं दी, इसलिए मैं 181 अभी वापस नहीं ली। थाने से बोला जा रहा है कि 181 वापिस ले लो। अच्छा, अभी वो प्रदीप काछी इतना वो है कि मेरे को गाली गलौज हर चीज़ ढिमारी गया, कितनी बातें करता है, मैं तो उससे 1 महीने से परेशान हूँ। अच्छा, क्या मांग करती हैं इस प्रशासन से आप? इस प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इससे कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत अभाना मझोली अंतर्गत एक प्रकरण आया था, इसमें सुनीता बर्मन जो अभाना के आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि प्रदीप काछी नाम का व्यक्ति उनका कार्यालयीन रजिस्टर छीन कर हाथ मरोड़ कर उनके साथ बदतमीजी की गई थी। शिकायत जांच उसकी की जा रही है, थाना मझोली के ASI राम सनी पटेल द्वारा उसकी शिकायत जाँच की जा रही है। तो उसमें कई तथ्य सामने आए हैं, जैसे प्रदीप काछी ने भी सहायिका के विरुद्ध महिला बाल विकास केंद्र में शिकायत की है कि इसके द्वारा बच्चों को लापरवाही पूर्वक छोड़ा और ले जाया जा रहा है। इस संबंध में अभी जांच चल रही है, दोनों पक्षों की चीज़ें सामने आ रही है, जांच अभी चल रही है। महिला बाल विकास अधिकारी से भी जानकारी ली जा रही है, इस संबंध में जांच अभी जारी है। जैसे ही जाँच पूरी होती है जो तथ्य सामने आएंगे अवगत कराया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।